पर्यटन की क्षेत्र में झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ घने जंगलों के बीच बसे पुराने किलों की भी काफी अहमियत है। ऐसे ही किलों में से है पलामू किला। लातेहार जिले में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में औरंगा नदी के किनारे बसा यह किला दो किलों का अवशेष है, पुराना किला और नया किला। पुराना किला नीचे, वो नया किला पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। पुराना किला किसने बनाया, इसे लेकर काफी मतभेद है, पर नया किला का निर्माण चेरो राजवंश के प्रतापशाली राजा मेदिनी राय ने 1634 ईस्वी में कराया था, यह वहां से प्राप्त शिलालेखों से स्पष्ट होता है। इतिहासकार डॉक्टर बी बिरोत्तम, वी पी केशरी, महावीर वर्मा, हवलदारी राम हलधर की माने तो पुराना किला का निर्माण मारहो अथवा रक्सलों ने किया था, जबकि इतिहासकार अंगद किशोर मानते हैं कि इसका निर्माण खरवार राजाओं ने किया था, जो कालांतर में चेरो राजाओं के अधीन हो गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों की बहस से हटकर देखा जाए तो दोनों किला अपने अप्रतिम खूबसूरती और अनकहे अनसुलझे दास्तान लिए पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। नए किले की दीवार और मुंडेर अभी भी पुराने किले से अधिक मजबूत है। यहाँ के मुंडेरों से चारों तरफ की प्राकृतिक खूबसूरती लाजवाब दिखती है। नए किले से पुराने किले को और पुराने किले से नए किले को देखना भी एक अलग अनुभूति देती है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। पलामू के वरीय पत्रकार प्रभात मिश्रा सुमन की माने तो दोनों किलों में पंचशर व पंच गुलाब नाम की बंगला फिल्मों की भी शूटिंग हुई थी। इन दिनों मासूम आज ग्रुप की तरफ से भी इन किलाओं में कई गाने व शॉर्ट फिल्म फिल्माए गए। पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। पुराने किले के पीछे के हिस्से का यह भाग फिलहाल फिल्म निर्माण व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर इन किलों का जीर्णोद्धार हो जाए तो आने वाले दिनों में यह झारखंड के अन्यतम पर्यटक स्थल बनने के साथ साथ इतिहास के शोध करने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो आइए पलामू किले को बचाने के लिए अपने हाथों को जोड़ें, एकजुट हों, प्रयास करें।